नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी आचार्य। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। झुंझुनू में छात्राओं के साथ अश्लीलता करने वाला गिरफ्तार। बुड़ाना के सरकारी स्कूल का व्याख्याता हुआ गिरफ्तार। कानपुर देहात में गर्मी के बाद मूसलाधार बारिश का प्रकोप। दीवार गिरने से वृद्ध की दबकर मौत, आला अधिकारी मौके पर। झलावाड़ की बकानी में शहीद मुकुट बिहारी मीणा को आत्मिक श्रद्धांजलि दी समर्पित। श्रद्धांजलि के रूप में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। और झलावाड़ की बकानी में पंचायत समिति सभागार भवन में सम्मान समारोह किया आयोजित। माला पहनाकर किया सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके में बुड़ाना की सरकारी स्कूल की छात्राओं के साथ व्याख्याता द्वारा की गई छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के मामले में बगड़ पुलिस ने आरोपी व्याख्याता को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कल कुछ छात्राओं ने स्कूल प्रिंसिपल में थाने में पेश होकर राजनीति विज्ञान के व्याख्याता नौशाद अली के खिलाफ अश्लील हरकत करने और छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी व्याख्याता को पहले राउंड अप कर लिया था, लेकिन पूछताछ के बाद उससे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। कल भी ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस ने न केवल मामला दर्ज किया बल्कि आरोपी को भी हिरासत में लिया। मुकदमा नंबर 145/18 PS बगड़ में आरोपी शिक्षक को आज न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में भी पेश किया जा चुका है उनको। न्यायालय का आदेश अभी इंतजार में है, न्यायालय में आदेश सुनाया जाएगा, उसके उपरांत जो भी आदेश होगा उसकी पालना की जाएगी। अप्रैल माह से अभी तक पड़ रही भीषण गर्मी को लेकर लोग तस्त हो चुके थे। वहीं हल्की फुल्की बारिश होने पर लोगों को राहत नहीं मिल रही थी, लेकिन बुधवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने ऐसा प्रकोप ढाया कि मंगलपुर क्षेत्र के पीपरी गांव में सन्नाटा पसर गया। दरअसल 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के बाद पीपरी गांव में एक विद्यालय की दीवार से सटी दीवार दोनों अचानक भरभराकर गिर पड़ी, जिससे समीप चारपाई पर सो रहे एक वृद्ध की मलबे में दबकर मौत हो गई, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया। दरअसल पूरा मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र के पीपरी गांव का है, जहां GS मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल के नाम से एक विद्यालय संचालित है, जिसकी बाउंड्री वॉल से सटा उजियारे लाल का खाता है जो कि कच्चा बना हुआ है। उजियारे लाल के मवेशी वहां बांधे जाने के चलते वो रोजाना की तरह बीती रात भी अपने कच्चे कोठे में चारपाई पर छप्पर के नीचे सो रहा था। इधर बुधवार दोपहर से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते विद्यालय से सटी कच्ची दीवार विद्यालय की बाउंड्री वॉल सहित गिर पड़ी। नींद के आगोश में मृतक उजियारे लाल कुछ समझ नहीं सका और मलबे के नीचे दब गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े और एक दूसरे की मदद से उजियारे लाल को मलबे से हटाकर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस और तहसील प्रशासन को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। वहीं तहसीलदार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरी रिपोर्ट जिला अधिकारी को भेजी है। वहीं ग्रामीणों में चर्चा रही कि उजियारे की कच्ची दीवार गांव में बने विद्यालय की बाउंड्री वॉल से सटी थी। दीवार गिरने से उसकी अकस्मात मौत होने से गांव में मातम छाया हुआ है। ना क्या ये बारिश हुई जी, बारिश हुई कच्चे और दीवार लेन चुकाना बारिश में उजियारे लाल की जगह भराई की थी जी, जो थुनकियाँ गड़ी थी वो थुनकी नीचे गई, ठीक है। तो ये बारिश होते होते और ये उन्हीं की दीवार उधर थुनकी नीचे गई, छपरा में बंधी थी, छपरा ऑटोमेटिक नीचे बैठ गया, जैसे बैठा छपरा थी दीवार में। वो ये कहाँ पे लेटे थे? वहाँ पर स्कूल की दीवार थी नहीं, स्कूल की दीवार में बहुत दूर अलग है, हम ही लोगों ने तो रात में निकाला ही है। तो ये दीवार के बगल में लेटे थे? हाँ, कच्ची दीवार के बगल, कच्ची अपने अपने दीवार पे, अपने दीवार के सहारा बैठे थे। दीवार रात में गिरी हुई? हाँ, जब बारिश हो रही थी। सुबह लोग कैसे जान पाए? सुबह नहीं, रात ही में लोग, हम लोग जान नहीं, ऐसे आवाज आई थी तो हम लोग वहाँ से जल्दी जल्दी गाँव से बुलाए और इधर उधर से अड़ोस पड़ोस को बुलाया, सब मट्टी उट्टी उनके भाई उनके लल छोटे उनके बेटा उनको बुलाया।
झालावाड़ के बकानी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रटलाई में लोधा छात्र संघ झालावाड़ के तत्वावधान में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रटलाई में कुपावाड़ में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हाड़ोती के लाल शहीद मुकुट बिहारी मीणा को आत्मिक श्रद्धांजलि समर्पित की गई और श्रद्धांजलि के रूप में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 76 यूनिट रक्तदान किया गया। वहीं दूसरी ओर बकानी पंचायत समिति सभागार भवन में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भवानी सिंह पालावत और झालावाड़ एसडीएम प्रकाश चंद्र रेगर के स्थानांतरण और मनीषा तिवारी के रसद अधिकारी झालावाड़ के पद पर नियुक्ति होने पर उनके अच्छे और सरल स्वभाव के कारण सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें तिलक लगाकर माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर विकास अधिकारी राजीव तोमर, प्रधान प्रेमभाई लोधा, उप प्रधान स्वर्ण कमल श्रृंगी, नायब तहसीलदार ओम प्रकाश दाधी, विद्युत विभाग अयन राधेश्याम मीणा, जलदाय विभाग जैनत सोनू बलवानी, पंचायत समिति पूर्ण स्टाफ और राजस्व विभाग पूर्ण स्टाफ उपस्थित रहा। राजस्थान ग्लोबल स्कूल, जड़ से मजबूत शिक्षा, दीप का प्रथम वास्तविक अंग्रेजी माध्यम स्कूल, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ दीप का प्रथम वास्तविक अंग्रेजी माध्यम स्कूल, एडमिशन ओपन कक्षा नर्सरी से 8वीं तक। राजस्थान ग्लोबल स्कूल, बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे डी भरतपुर, मोबाइल नंबर 7734919196 9785979762। भरतपुर के डीग में एक मास्टर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान आनंद भारती विद्यापीठ, हर वर्ष 10वीं 8वीं और 5वीं बोर्ड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। विद्यालय परिवार की ओर से सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। हिंदी इंग्लिश मीडियम, कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक। एडमिशन ओपन आनंद भारती विद्यापीठ, भूडा गेट डी भरतपुर, मोबाइल नंबर 9460109393 9414210993। चमन माध्यमिक विद्यालय, सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रधानाध्यापक रमनलाल शर्मा और समस्त विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। गांधी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग उपलब्ध। योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण। वाहन सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ, मोबाइल नंबर 9461623422। गांधी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कचहरी पंचायत समिति रोड बयाना भरतपुर। गांधी विद्या मंदिर की स्थापना 1981 में की गई है। छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए इस क्षेत्र में एक अच्छे विद्यालय की स्थापना की गई। वर्तमान में विद्यालय प्रवेश का से लेकर के 12वीं कक्षा तक संचालित है। इसमें कला वर्ग, ज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग तीनों संकाय संचालित हैं। कला वर्ग में समस्त विषय जो भी कला वर्ग के हैं हमारे यहाँ संचालित हैं। भरतपुर के डीग में एक मास्टर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान माँ सरस्वती आदर्श विद्या मंदिर, हर वर्ष 10वीं 8वीं और 5वीं बोर्ड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण संतुष्टि। अनुभवी और योग्य अध्यापकों द्वारा अध्यापन। विद्यालय परिवार की ओर से सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। प्रधानाध्यापक एच सी सैनी, व्यवस्थापक महेश चंद। प्रवेश प्रारंभ LKG से 10वीं तक के लिए। संपर्क सूत्र 9166862749462376051। माँ सरस्वती आदर्श विद्या मंदिर, भूटा गेट डी भरतपुर, राजस्थान।
करौली के टोड़ा भीम में बालघाट कस्बे में आज पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष में दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी भाटा चले, जिसमें एक पक्ष की एक महिला सहित 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से बालघाट चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां घायलों का उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी और आपसी विवाद होने के बाद दोनों पक्षों के लोगों में संघर्ष हो गया, जिसमें सगीर नवीन पुत्र सीगर मुन्ना पुत्र सगीर भूरा मुवीना घायल हो गए, जिनका उपचार जारी है। हालांकि संघर्ष के बाद दोनों पक्षों में किसी भी पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज नहीं करवाई गई है। जोधपुर के शेरगढ़ में जय भीम विकास शिक्षण संस्थान और एक्शन एंड जयपुर द्वारा संचालित दलित अधिकार नेटवर्क राजस्थान परियोजना के तहत गुरुवार को पंचायत समिति स्तर पर बाल पंचायत बैठक शिवसागर में आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम समन्वयक बिहार बोस ने कहा कि बच्चों को अपने बाल अधिकारों के प्रति चेतना जरूरी है। बच्चों के 4 बाल अधिकार होते हैं, जीविता का अधिकार, विकास का अधिकार, सहभागिता का अधिकार और संरक्षण का अधिकार। इन अधिकारों के प्रति जानकारी होनी चाहिए। बच्चों को घर परिवार स्कूल और समाज में आ रही समस्याओं को निपटाने के लिए अधिकारों के प्रति जागरूक होकर संघर्ष करना होगा। बच्चों को संगठित होकर सरकारी और सामाजिक संस्थानों की निगरानी करनी होगी और स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र नियमित खोलने चाहिए और उसमें मिलने वाली सेवाओं का लाभ भी लेना चाहिए। जयपुर जिले के सांबर पंचायत समिति परिसर में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। विकास अधिकारी सतपाल कुमावत ने बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग भारत सरकार के निर्देशानुसार गुरुवार को सांभर पंचायत समिति परिसर में सांभर प्रधान बबली कंवर ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया, जिसमें बीपीएल श्रेणी के वृद्धजनों को निःशुल्क जीवन सहायक उपकरण प्रदान करने की योजना अंतर्गत 487 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया और 441 लोगों का चयन किया गया, जिसमें लगभग 15 के वृद्धजनों को कृत्रिम उपकरण वितरित किए गए। इस शिविर में सांभर नगर पालिका और सांभर पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले गाँव के लोगों का चयन किया जाएगा। समिति सांबर लेक में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत कुल 487 वृद्ध जनों का जीवन सहायक उपकरणों के प्रदान करने के लिए पंजीकरण हुआ, जिसमें से 441 लोगों को पात्र पाया गया। इन्हें विभिन्न रक्षा उपकरण दिए जाएंगे। आगामी अगस्त माह में इनका कैंप दोबारा होगा, जिसमें ये उपकरण दिए जाएंगे। कुल 128 लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत पाई गई, जिनको उपकरण देने के लिए चिन्हित किया गया है। इस तरह से यह कैंप बहुत सफल रहा। आज पंचायत समिति सांबर ने सर कितने लोगों को और कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? कुल 16 लाख रुपए का अनुदान इस उपकरणों के माध्यम से दिया जाएगा। झालावाड़ के बकानी भारतीय किसान संघ की बैठक तहसील अध्यक्ष मनोहर सिंह चौहान के सानिध्य में बालाजी पार्क बकानी में आयोजित हुई, जिसमें पंजीकृत लहसुन के बकाया किसानों का लहसुन को फिर से तोला जाए, भावांतर राशि डाली जाए, इसलिए सरकार को भारतीय किसान संघ के द्वारा बार बार ज्ञापन देने के बाद भी अभी तक कोई सकारात्मक बात सामने नहीं आई है। इसी क्रम में किसान संघ द्वारा आंदोलन को तेज करते हुए जनप्रतिनिधि का घेराव करने का निर्णय किया। इसी क्रम में पंचायत समिति बकानी प्रधान प्रेम भाई लोधा और उप प्रधान स्वर्ण कंवर संघी का घेराव किया गया, प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें लहसुन चना सरसों खरीद संपूर्ण करने या भावांतर योजना के अंतर्गत लहसुन का 2300 चना 1000 सरसों का 500 रुपए की अंतर राशि के हिसाब से किसानों के खाते में डालने और काली सिंध बांध डूब के क्षेत्र के गांव देवड़ी ग्राम पंचायत रिछवा पंचायत समिति बकानी के किसानों को नई DLC दर से मुआवजा दिलवाने, देवड़ी गांव का पुनर्वास कहीं भी शहर के समीप करवाने की मांग रखी गई। लून करणसर समीपवर्ती रामबाग ग्राम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को उच्च प्राथमिक कक्षाओं की छात्राओं ने आंखों में आकाश पुस्तक का लोकार्पण किया। कवि कथाकार डॉक्टर मदन गोपाल लड्ढा द्वारा लिखित इस कथा पुस्तक का प्रकाशन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से किया गया। लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि साहित्य अकादमी के पुरस्कृत कवि और बाल साहित्यकार राजू राम बिजारणिया ने कहा कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए बाल साहित्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाल मन के स्वस्थ मनोरंजन सावंगी उन्नयन के लिए सरस बाल कविताएं और कहानियां बहुत उपयोगी होती हैं। कृष्ण कुमार चाहर ने कहा कि आंखों में आकाश एक बालिका के बुलंद हौसलों की प्रेरक कहानी है, जो बाल पाठकों के मन को मोह लेती है। वरिष्ठ अध्यापक राधेश्याम ने हर घर में किताब का कोना बनाने की दरकार बताई। भरतपुर के डी का एकमात्र सर्वोत्तम शिक्षा का केंद्र पुष्पांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10वीं का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, विद्यालय परिवार की ओर से
सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। प्रवेश प्रारंभ LKG से 12वीं के लिए, LKG से 5वीं तक अंग्रेजी माध्यम में। वाहन सुविधा उपलब्ध। डायरेक्टर मुकेश सिंह राजपूत, मोबाइल नंबर 9413594363। पुष्पांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आर्य समाज गली, सौगर मोहल्ला, दीप भरतपुर। सरिता सेकेंडरी स्कूल, समस्त उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। भरतपुर के डी का एकमात्र सर्वोत्तम शिक्षा का केंद्र शालू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 10वीं का 100% परीक्षा परिणाम। विद्यालय परिवार की ओर से सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ व्यवस्थापक नरेंद्र कुमार सैनी, मोबाइल नंबर 9785505936। भरतपुर के डीग में एकमात्र शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान स्वामी राम स्वरूप माध्यमिक विद्या मंदिर, हर वर्ष 10वीं का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, अनुभवी और योग्य अध्यापकों द्वारा अध्यापन। विद्यालय परिवार की ओर से सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। प्रधानाध्यापक मोतीलाल शर्मा, मोबाइल नंबर 9414715981। स्वामी राम स्वरूप माध्यमिक विद्या मंदिर, प्रवेश प्रारंभ नगर रोड डी भरतपुर। पंचायत समिति रानी स्टेशन, केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी, विधायक मारवाड़ केसाराम चौधरी, जिला प्रमुख पेमाराम चौधरी, जिला परिषद सदस्य खीमाराम चौधरी, प्रधान रानी नवरत्न चौधरी, उपप्रधान रानी किशोर सिंह राजपुरोहित, सरपंच मोहनाचार्य, उप सरपंच पोखराज, ग्राम विकास अधिकारी सर्वेश सिंह, वार्ड पंच हंसराज चौहान, वार्ड पंच ललिता देवी, वार्ड पंच गायत्री देवी, वार्ड पंच पेखी देवी, वार्ड पंच मनोहर सुवारा, वार्ड पंच भावरी देवी, वार्ड पंच रसिया बाई, वार्ड पंच विजयराज सोनी, वार्ड पंच बहादुर सिंह उदावत, वार्ड पंच पिस्ता देवी, वार्ड पंच हेमाराम चौधरी, वार्ड पंच हीरालाल मेघवाल और समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत खिवाड़ा की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हंसराज चौहान, अभिकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम खिवाड़ा, तहसील रानी, जिला पाली की ओर से सभी देशवासियों को अग्रिम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बीमा करवाएं, सुरक्षित रहें। श्री राम हॉस्पिटल, मिराना तिराहा, भरतपुर रोड, बयाना, भरतपुर। डॉक्टर सावित्री मीना, MBBS DGO, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, SMS हॉस्पिटल जयपुर। सुविधाएं उपलब्ध। 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, 6 चैनल ECG, रोगी के भर्ती होने की उत्तम व्यवस्था, गर्भवती महिलाओं की जांच और इलाज, मासिक धर्म की अनियमितताओं का इलाज, अनुभवी चिकित्सक और अत्याधुनिक मशीनों द्वारा समस्त प्रकार के ऑपरेशन, ICU, NICU वार्ड व्यवस्था, प्राइवेट AC रूम, समस्त प्रकार की जांच, अनुभवी और सेवाभावी समर्पित नर्सिंग स्टाफ, सामान्य और जटिल डिलीवरी, निसंतान दंपतियों का इलाज, ऑपरेशन व्यवस्था, सिजेरियन, हर्निया का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन टाके बिना, नसबंदी, पाइल्स का ऑपरेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ऑपरेशन, गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन, मूत्र नली पथरी का ऑपरेशन, हाइड्रोसेल ऑपरेशन, फिस्टुला का ऑपरेशन, प्रोस्टेट का ऑपरेशन, रंगीन सोनोग्राफी,
अपेंडिक्स का ऑपरेशन, पित्ताशय की पथरी का ऑपरेशन, अंडाशय की गांठ का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन, स्तन की गांठ का ऑपरेशन, फिसर का ऑपरेशन, समस्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध श्री राम हॉस्पिटल में। मैं नर्सिंग स्टाफ नरेश खटाना श्रीराम हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। यह हॉस्पिटल भामाशाह द्वारा अधिकृत है। इस हॉस्पिटल में भामाशाह द्वारा सभी डिलीवरी या ऑपरेशन निःशुल्क किए जाते हैं। इस हॉस्पिटल में राष्ट्रीय योजना है, जमीन शिक्षा योजना से अधिकृत है। इन योजनाओं के द्वारा सभी मरीजों को लाभ दिया जाता है। श्री राम हॉस्पिटल, मिराना तिराहा, भरतपुर रोड, बयाना, भरतपुर। फोन नंबर 0564-8225411। मोबाइल नंबर 9667023619। शाहपुरा पंचायत समिति अधीन फुलिया कला पुलिस ने देसी कट्टे फायर के आरोप में गुरुवार को 6 जनों को गिरफ्तार किया है। कनेक्शन खुर्द निवासी सावर गुर्जर की रिपोर्ट पर थाना प्रभारी करण सिंह ने बताया कि 24 जुलाई मंगलवार की देर रात 11:30 बजे चोरी की नियत से आए घर के बाहर कुछ लोगों ने फायर कर दिया, जिससे सावर गुर्जर समेत परिजनों की नींद उड़ गई। गहरी नींद से उठकर दरवाजा खोला तो घर के बाहर 5-6 जने खड़े दिखाई दिए। नाम पूछने पर 2 जनों ने नाम बताया और 4 जने ने मौके से भाग गए। सावर गुर्जर ने पुलिस को बताया कि ये लोग भेड़ बकरी चोरी करने की नियत से आए थे। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस मामले में खामोर निवासी सावर महेंद्र रामजस, बाबू छोटू और दुर्गा लाल को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों की ओर से अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर शुरू किया गया चक्का जाम आंदोलन गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहने से दिन भी यहां रोडवेज बसों के पहिए हिले तक नहीं। वहीं सभी रोडवेज कर्मी भी हड़ताल पर रहे और उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए सरकार पर तानाशाही और दमनात्मक रवैया अपनाने के भी आरोप लगाया और सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने रोडवेज कर्मियों की सुनवाई नहीं की तो यह आंदोलन और तेज किया जा सकता है। इस आंदोलन के चलते रोडवेज बसों के यात्रा करने वाले नियमित बस यात्री सहित अन्य लोगों को, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, आवागमन की समस्या का विशेष सामना करना पड़ा। वहीं काफी लोगों की दैनिक जीवनचर्या और रोजी रोटी का जुगाड़ भी इस आंदोलन के चलते डगमगा गया। यहां के रोडवेज बस स्टैंड पर चाय पान, समोसा, फल आदि बेचकर अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करने वाले बेरोजगारियों को और अन्य लोगों ने बताया कि रोडवेज बसों के चक्का जाम होने से आज उनका धंधा भी दिन भर चौपट रहा। यहाँ के रोडवेज श्रमिक संगठनों के संबंध एक रोडवेज कर्मी के अनुसार रोडवेज बसों का 3 दिवसीय चक्का जाम का ये आंदोलन रोडवेज श्रमिक संगठन इंटक, एटक, C2, RSRTC, रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर शुरू किया गया है। ये आंदोलन रोडवेज कर्मियों की काफी समय से लंबित चल रही 13 सूत्री मांग पत्र और सरकार की तानाशाही और उपेक्षापूर्ण रवैये को लेकर किया जा रहा था। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री कैलाश काबरा का निधन बुधवार देर रात को हो गया है। वो 68 वर्ष के थे। कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। अपने निवास स्थान के बाहर चहलकदमी के दौरान अचानक तबीयत खराब होने पर सैटेलाइट अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों की टीम ने उनको बचाने के कई प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। काबरा भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से थे। अपने पैतृक गांव बिलिया से राजनीति शुरुआत करने के बाद ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष, भाजपा जिला मंत्री, भाजपा जिला महामंत्री, जिला परिषद सदस्य, KVSS डायरेक्टर, सहकारिता प्रकोष्ठ भाजपा के कई अन्य प्रकोष्ठ में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए भाजपा की मजबूती के लिए कार्य किया था। पाली के सरियारी के पास करीब 5 किलोमीटर दूर नाथों की 11 जीवती समाधि स्थल काजलवास में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के तहत गुरुवार रात्रि को एक शाम आयोजित भक्ति संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने नाथों की 11 जीवित समाधि के मंदिर परिसर में मत्था टेक खुशहाली की कामना की। 11 जीवित नाथों की समाधियों को दुधिया रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया। पंचायत समिति सदस्य भगवत सिंह मेवाड़ा ने बताया कि भजन संध्या में गायक महेंद्र सिंह राठौर ने गणपति वंदना के साथ भजन संध्या का आगाज किया। गायक कलाकार मुकेश नायक, हेमराज गोयल ने गुरु भक्ति से ओतप्रोत भजनों पर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। भजनों में देर रात तक श्रद्धालु जमे रहे।
मन संचालन अनिल कुमार ने किया। इस दौरान काजलवास सेवा समिति द्वारा अतिथियों का सम्मान भी किया गया। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़।